फ्रेंड्स, मद्रासी स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फिश फ्राई। इसके लिए हमें चाहिए मछली के टुकड़े 6, नींबू का रस 2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 3 छोटा चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है। अच्छी तरह से मिला लें। अब डालें तेल 1 छोटा चम्मच और धीरे से मिक्स कर लें। इसमें डालें कड़ी पत्ता और 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। एक पैन में तेल गर्म कर लें और उसमें डालें मैरिनेट किए हुए मछली के टुकड़े। कवर करके मध्यम फ्लेम में इन्हें 10 मिनट के लिए पका लें। अब इन्हें फ्लिप कर लें। और मध्यम फ्लेम में 10 मिनट के लिए पका लें। अच्छे से पकने के बाद स्टोव ऑफ कर लें और टिश्यू पेपर पर रख लें। तवा फिश फ्राई तैयार है। गरम सर्व करें। मछली के टुकड़ों को धोते वक्त थोड़ा नींबू का रस और नमक यूज कर लें। इसे मछली का स्मेल कम होगा और साथ ही अच्छे से धुल जाएगा। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मसाला एडजस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि मसाले में पानी अधिक है तो थोड़ा और कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें। अगर आप कम तेल यूज करना चाहते हैं तो एक एक करके मछलियों को तल लें। आप नींबू के रस के बजाय इमली का रस भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मद्रासी स्वाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।